कि सबसे पहली बात कि ये जो सरकार है 2014 से जो सरकारें आई हैं, ये सरकार सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में जितने भी युवा हैं उसको हिंदू और मुस्लिम में बांट कर रख दिया है। 2014 से पहले कोई भी यूथ ये नहीं जानता था कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ये सिख है, वो ईसाई है, बल्कि सारे लोग ये जानते थे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये हिंदुस्तानी, हम तमाम हिंदुस्तानी है। 2014 से 2019 चली, 2019 के बाद ये सरकार आने के बाद हिंदुस्तान में एक तूफान ला दिया है, एक जलजला ला दिया है, एक भूकंप ला दिया है। भूकंप यह है कि इससे पहले जितनी भी सारी घटनाएं हुई, चलिए वो पार्टिकुलर इंडिविजुअल किसी कौम के लिए था, मगर जब से यह हमारे संविधान पे हमला किया है तब से हिंदुस्तान के तमाम यूथ स्टूडेंट से लेकर के जो छात्र नहीं है वो भी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अक्सरियत युवाओं की है, नौजवानों की है, अक्सरियत में कोई दूसरा नहीं है, न हिंदू मेजोरिटी में है, न माइनोरिटी में मुसलमान है, बल्कि मेजोरिटी में हमारे हिंदुस्तान में युवा है, और युवा ये नहीं जान रहे हैं कि मैं हिंदू मैं मुस्लिम हूँ, और इस सरकार के खिलाफ हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हम लोग कर रहे हैं, और ऐसा ये करते रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होता। और ये सरकार को मैं एक संदेश दे देना चाहता हूँ कि जो जेएनयू और जामिया के बच्चों पर ये लाठीचार्ज करके सोच रहे हैं कि बच्चे पीछे हट जाएंगे, मगर ये पीछे हटने वाले नहीं है, इनको ये बिल लागू करने के लिए तमाम हायर एजुकेशन के बच्चों को कुर्बान करना पड़ेगा। ये भी बच्चे अगर जिंदा रहेंगे तो ये बिल लागू होने नहीं देंगे। सबसे पहले ये बात है कि जिस तरीके से जेएनयू में जो एक शिक्षा का मंदिर है वहां पे बीजेपी आरएसएस और एबीपी के गुंडा गर्दी वहां पे जाके करता है, मतलब टेररिस्ट अटैक होता है, जो कंडेमनेबल है, वो निंदनीय है कि एक शिक्षा के मंदिर में जाके घुस के एक टेररिस्ट जैसा आतंक फैलाता है, काला कानून इम्पोज किया जाता है जबरदस्ती, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 14, 25 और 15 के विरुद्ध है, वो कानून लाया जाता है जो इस देश में चलने वाला नहीं है, वो एक धर्म विशेष के विरुद्ध है तो वो नहीं चल सकता है, इसलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। समझ में आएगा कि सीए और एनएससी को कंबाइन करके देखिए, उनको दोनों को जोड़ के देखिए कि लीगली ये सीए जो लाया गया ना किस किस लिए लाया गया, क्या मकसद था। आप जानते हैं एनएससी सबसे पहले आसाम में हुआ, वहां पे 60% हिंदू जो है एनएससी से बाहर हो गया और 40% मुस्लिम। अब वो 60% हिंदू को भारतीय नागरिकता उनको देना था, मुस्लिम उसमें इंक्लूड एक्सक्लूड करना था, इसलिए वो सीए लाया गया। सीए के जरिए जो एनआरसी से बाहर हो रहे हिंदू उसको पहले नागरिकता देना है और उसमें मुस्लिम को एक्सक्लूड करना है। दिस इज द मेन एजेंडा ऑफ बीजेपी और यही काला कानून है, और जोरदार विरोध कर रहे हैं हम। ये कानून लागू नहीं होने देंगे, ये भारत में नहीं हो सकता। हम अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को बताना चाहते हैं कि इस तरह धर्म विशेष और एक धर्म को छोड़कर इस तरह कानून लागू नहीं हो सकता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध रहेगा हम उसको किसी भी सूरत में इस देश में, ये सेकुलर कंट्री है, इस देश में लागू नहीं होने देंगे। कार आई है तो पीस का जनाजा निकल गया, मॉब लिंचिंग के मामले, रेप के मामले, अब तो यह है कि रेपिस्ट को नेता माला पहना के स्वागत करते हैं, यह हाल है। दूसरी बड़ी चीज होती है एजुकेशन, जिन इंस्टीट्यूट की वजह से हिंदुस्तान के एजुकेशन का स्टैंडर्ड पता चलता है उन्हीं इंस्टीट्यूट में घुसकर लाठीचार्ज करते हैं। जामिया में देखिए पुलिस को इजाजत नहीं थी, वहां किस तरह से हुआ। अब जेएनयू में देखिए क्या हुआ, वहां पुलिस बुलाई जा रही थी, पुलिस आ नहीं रही है, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट कहकर इसे निशाना बनाया गया, वहां गुंडों के जरिए निशाना बनाया गया। अभी फिलहाल की बात है कि जेएनयू के किसी स्टूडेंट को नोबेल प्राइज मिला है, क्या बात है, आज से नहीं, ये 2016 से निशाना बनाया जा रहा है। और तीसरी चीज जो होती है इकोनॉमिक का क्या हाल है, जीडीपी लो और इसे कोई बात नहीं, क्या इनको पब्लिक जो है सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए चुना है, इकोनॉमिक डेवलप करने के लिए नहीं चुना, पीस काम करने के लिए नहीं चुना, ये चाहते हैं कि हम डर जाए। दरार है, जब हिंदुस्तान की आजादी की तारीख चल रही थी ये लोग डर के मारे अंग्रेज का साथ दिए, आज हमें हिंदुस्तानी पब्लिक को डरा रहे हैं, सोचने वाली बात है। यहाँ पे जिस तरह हिंदुस्तान के पब्लिक ने डर से निकलकर अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ा था, अंग्रेज को छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा, इसी तरह इसको भी, ये तो दो गुजराती हैं, इसे भी छोड़कर गुजरात जाना पड़ेगा, मेरा यकीन है कि इसे गुजरात में भी जगह मिलेगी। तू भी